बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हा। और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, जब से जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने वर्दी उतारने के बाद दोबारा सियासत में आने के, क्योंकि पहले तो वो वर्दी में करते थे, किया है, मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं। मुझे गिला है अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, जो उनको इंटरव्यूज हम कर रहे हैं उसमें ज्यादा फोकस इस बात पे हो रहा है कि NRO किसने किया, मुशर्रफ साहब ने किया या चौधरी साहबान ने किया। हालांकि हकीकत यह है, मैं इसको एज अ फैक्ट जानता हूं कि ना ये मुशर्रफ साहब ने किया ना चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया। ये जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे बड़े अकड़ फूं वाले साहब के ऊपर अमरीकनों ने इम्पोज किया, और इसके रियल ऑथर थे मार्क लॉयड। ठीक है, ठीक। अब उस बात को छोड़े, जिस बात का मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पर, जो भारत को बहुत अरसे से वॉच करता रहा है, रिपोर्ट करता रहा है 1984 से, दिसंबर 1984 से, जिस बात का मुझे अज हद अफसोस है और गिला अपने सहाफी दोस्तों से है कि जनरल मुशर्रफ साहब आजकल जो कुछ कश्मीर के बारे में बैन अलावामी मीडिया से बात कर रहे हैं, उसकी मुश्ताक साहब इतनी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं, इतनी सीरियस इम्प्लीकेशंस हैं कि हमें उसका एहसास ही नहीं है। अभी कश्मीर में इंतफादा हुआ है, बिल्कुल गैर मुसल्ले नौजवान सड़कों पे कर्फ्यू तोड़कर आते रहे हैं, सिवाय पत्थर के उनके हाथ में कुछ नहीं था, उन्हें गोली पड़ती रही है। इंडिया की सिविल सोसाइटी हिल गई, बैन अलावामी बरादरी की बेहिसी भी अब बड़ी मजबूर हो रही है। सोनिया गांधी तक को कहना पड़ रहा है कि ये नौजवानों को क्यों हुआ, हमसे नाराज क्यों हुए। मनमोहन सिंह साहब बार बार बुला रहे हैं। ऐसे मौके पर बैन अलावामी, और किसी छोटे मोटे जरीदे को नहीं, जर्मनी के एक बहुत मौकर जरीदे श्पीगल को मौसूफ कहते हैं कि हां, चूंकि वो नहीं कर रहे थे लिहाजा हमने मिलिटेंट्स ट्रेंड किए और उन्हें बॉर्डर के। बिल्कुल आपकी बात नुसरत साहब बिल्कुल दुरुस्त। और इस वक्त हमें श्रीनगर से ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली गिलानी, चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। वो बेहतर पोजीशन में है क्योंकि वो सारी इस तारीख के भी रावी भी हैं, खुद वो गुजर भी चुके हैं कश्मीर की तरीके आजादी, और अभी तक लीड किए हुए हैं। हमें जानकारी, बहुत बहुत शुक्रिया आप अली गिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया याद फरमाई का, बहुत शुक्रिया। अच्छा गिलान साहब, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का बयान आपने यकीनन आपकी नजरों से गुजर रहा होगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो ट्रेंड करती रही हैं अस्करी तंजीमों को, और इंडिया के अंदर जो कुछ होता रहा या मकबूजा कश्मीर में उसकी जिम्मेदारी दूसरे अल्फाज में उन्होंने ले ली। कैसे इस बयान को देख रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में आप वहां पर किस तरह लिया गया इस बयान को? देखिए, जहां तक मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम का ताल्लुक है, हमें तो मुशर्रफ साहब के बारे में पहले ही ये हकीकत मालूम हो गई है कि वो एक खुद पसंद इंसान हैं, और उनकी बातें जो हैं वो बहरहाल उनके अपने आप के ही गिर्द घूम रही हैं, और जो कुछ उनके मन में आता है वो कह देते हैं। वो बहुत कम ये देखते हैं कि पाकिस्तान का पर इसका क्या असर पड़ेगा, कश्मीर के मजलूमों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और मजमूई तौर पूरी मुस्लिम दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो वो इस पर कम नजर डालते हैं और इसका बहुत कम एहसास रखते हैं। नहीं गिलानी साहब, मैं अर्ज ये कर रहा हूं सर, मैं मुझे जो ज्यादा फिक्र खाई जा रही है कि अभी जो इंतफादा जो चल रहा है आपका 3-4 महीनों से, जिसमें किसी किस्म की कोई अस्करियत हमें नजर नहीं आई है, नौजवान बच्चे ज्यादातर जिनकी उम्र 20 साल से कम, उनकी अक्सरियत, अली गिलानी साहब आप जैसा एक सीजन पॉलिटिशियन तो ऐसे उतार चढ़ाव देख सकता है, आपने हजारों मर्तबा देखे होंगे, वो इस बयान को सर कैसे ले रहे होंगे? कोई आप तक फीडबैक आई है गिलानी साहब? हमारे यहाँ जो आज जुदजात चल रही है जी, इसमें हमारे 3 एजर्स हिस्सा ले रहे हैं, और मैं इस जुदजात में एक अदना खादिम की हैसियत से आगे रहनुमाई कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल एहसान से, और हमारे नौजवानों के दिलों से मैं आपको यानी बिल्कुल बगैर किसी मुबालगे के अर्ज करूंगा
हमारे जवानों के दिलों से मौत का खौफ बहुत यानी खत्म हो चुका है और वो मौत के खौफ से बालातर होकर सीना तान कर भारत की फौजियों के उनके बंदूकों के सामने खड़े हो जाते हैं सीना तान कर, और न उनके पास डंडा होता है, न उनके पास कोई बंदूक है, न उनके पास कोई टेयर गैस शेल है, न उनके पास कोई ग्रेनेड है, न उनके पास कोई गोली है, सिर्फ अपनी जानें लेकर एक जज्बे के साथ कि भारत के फौजी कब्जे से हम आजादी हासिल करें, और इसके लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं। 110 तक अब तक हमारे जवान शहीद हो चुके हैं 11 जून के बाद से, और उनमें अक्सरियत तीन एजर्स की है, इनमें अक्सरियत लड़कपन की उम्र से गुजरने वाले जवानों बच्चों की है, 9 साल के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं जिनको जदकोब करके शहीद किया गया। और ये सूरत हाल आज यहाँ है कि भाई कोई कहीं कोई अस्करियत का कोई नामो निशान नहीं है, और कहीं किसी और मुल्क की तरफ से कोई शाह नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई हिमायत नहीं है, कोई ऐलान नहीं है और कोई मदद नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं कोई बात हो जाए कि भाई अच्छा अली गिलानी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, जी गिलानी साहब सॉरी, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं दिल्ली में बहुत लंबे लंबे अरसे के लिए पोस्ट होता था, तो आपकी जब भी परवेज मुशर्रफ साहब से मुलाकात हुई पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर दूसरी कश्मीरी क़यादत के साथ, तो आपके साथ हमारे पास जो इत्तलात बड़ी मुसद्दका आती थीं वो ये कि आपके साथ सर हमेशा गिलानी साहब तलखी उनकी हो जाती थी। बिल्कुल, उसकी क्या वजह होती थी, क्यों आपके साथ उनकी तलखी होती थी मुशर्रफ साहब की? अब देखिए, वो जब दिल्ली में मुझे मिले, जब वो दिल्ली आए आगरा के बाद, उन्होंने खुद कहा कि मैं दिल्ली आया हूँ दिल बदल कर। और फिर जब उनने बातें की, जब मेरे साथ उनकी मुलाकात हुई, सबसे पहले मैंने उनसे ये कहा था कि आप अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करें। ठीक, और वही कुछ हुआ जो हमारा अंदेशा था कि उन्होंने लाल मस्जिद पर और ये हफ्सा पर उन्होंने धावा बोल दिया। हालांकि मैंने कल ही एक किताब से पढ़ा है उस मौली साहब का जो उन्होंने जो उसमें मुसालत कर रहे थे, यानी बिल्कुल मुसालत बहुत करीब थी और बिल्कुल वो एक पुरामन तरीके से मसला हल होने जा रहा था, लेकिन उन्होंने रात के वक्त फौज कशी करके वो खूनैन मंजर वहाँ कायम किया और दोहराया, जिसके नतीजे अब तक पाकिस्तान में भुगते जा रहे हैं। नहीं, लेकिन गिलानी साहब हमने तो बात जो उन्होंने सरेंडर किया अमेरिका के आगे, उस सरेंडर के नतीजे में आप देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं गिलानी साहब, नहीं गिलानी साहब देखें, आपकी कथा कलामी होती है। इस वक्त ड्रोन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान अमरीका इस वक्त पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। अभी आज के बयान ही आप देख लीजिए। जी बिल्कुल, नहीं लेकिन गिलानी साहब सिर्फ मैं नहीं गिलानी साहब सिर्फ है, उसका मतलब यही है कि अमेरिका वही रोल प्ले करेगा जो वो अफगानिस्तान में कर रहा है और जो इराक में कर रहा है। तो ये जो पाकिस्तान को भी दाव पर लगाया, अफगानिस्तान को भी, इराक को भी, उसकी सारी जिम्मेदारी मुशर्रफ पर आई। अच्छा नहीं गिलानी साहब, मैं खास कश्मीर के तनाजुर में कह रहा हूँ कि वो तो इसरार कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर के मसले को अपने 9 साल दौर में असर 9 जिंदा किया, और उनकी कोशिशों और काविशों की वजह से कश्मीर का मसला तकरीबन हल हो जाने के करीब था। और सर ये बातें तो भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह भी कहते हैं कि मुशर्रफ साहब के साथ उनका एग्रीमेंट होने वाला था। आप क्या समझते हैं कि ये गलत बयानी है? ये उनने खुद भी एतराफ किया है और उनके उस वक्त के वजीर खारजा कसूरी साहब ने भी एतराफ किया है कि चार निकाती फार्मूले पे वहाँ की यहाँ की जो दूसरी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नाम से काम करने वाले हजरात हैं वो भी राजी हो गए थे, लेकिन हमने उसमें रुकावट डाली, हमने उसको मुस्तरद किया और उसी वजह से वो रूब अमल ना आ सका। वो कुछ भी नहीं था सिवाय स्टेटस को के। अच्छा गिलन साहब, क्या ये जो टाइमिंग है अभी, आप क्या समझते हैं कि इस मरले पर बयान क्यों आया जबकि रायामा आपके हक में और आपकी तहरीक के हक में जा रही थी? रायामा यहाँ मैं आपको
आपको बगैर किसी मुबालगे के अर्ज करूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो भी मुस्लिम एरियाज हैं और मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस वक्त की जुदजात को साथ दे रहे हैं, दिल्ली दिल की गहराइयों के साथ और पूरे एतिकाद और एतमाद के साथ, और ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद और नुसरत से ये जुदजात जारी व सारी रहेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से हम भारत के फौजी कब्जे से आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली गिलानी हमसे बात करने का। लो भैया सैयद अली गिलानी साहब दो बात फरमा रहे हैं, मैंने जो बताया मैंने उस वक्त थोड़े से इस तरफ इशारे भी किए थे, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा कि दिल्ली में वो इन्हें मिले तो उन्होंने गिलानी साहब को कहा कि मैं दिल्ली दिल बदल कर आया हूं, जिस तो पे इनकी और उनकी भाई दिल बदल कर आए थे, इसीलिए यहां से जाते ही सबसे पहले गए थे दहर वाली हवेली की उस एक छोटे से कमरे में जहां ये रहते थे। आइडिया इंडिया को यह बताना था कि मैं तो अपना फैमिली का बच्चा हूं, यहां से गया हूं, आप ही कहां हूं, दिल्ली वाला हूं, दिल्ली वाले हैं बिल्कुल। ये दिल तो इनकी तलखी हुई, इसके ऊपर बातचीत अभी बड़ी रहनी है। नुसरत साहब, सदीकुल फारूक साहब और अहमद रजा कसूरी साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, नाज़रीन वक्फे के बाद उनसे गुफ्तगू करेंगे, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।